सो गाइस फाइनली मेरी स्टिक आ चुकी है ना, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा ब्लॉग्स PB03। मैं आपका दोस्त विषम शर्मा, होप आप सब ठीक होगे, मजे में होगे। सो गाइस आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। आज के ब्लॉग में दो चीज़ इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस। एक तो मैंने ट्राईपॉड और सेल्फी स्टिक ऑर्डर की थी, वो मेरा आ रहा है आज, डिलीवरी होगा आज। सो मेरा ऑर्डर जो है वो आउट फॉर डिलीवरी हो चुका है। सो एक का एग्जाम शाम को आज जाएंगे आई लव बठिंडा पॉइंट में, जो बठिंडा में है, जो बेहद ही खूबसूरत है। सो आपको दिखाएंगे, स्टे ट्यूनिंग गाइस, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए शर्मा ब्लॉग्स PB03। सो गाइस फाइनली मेरी स्टिक आ चुकी है, जैसे मैंने आपको बोला था। अब करते हैं इसको अनबॉक्स। चाकू लगे आइए। चाकू दी लंबी होगी, पूरी तरह में फट जाओगी। ये है गाइस वो सेल्फी स्टिक, अब इसको ट्राई करते हैं, अटैच करते हैं फोन पे, फिर दिखाते हैं आपको। सो गाइस ये है हमारी सेल्फी स्टिक, सही हो रहा है शूट? आप बताना जो सभी बैठे हैं, सही है? सो गाइस ये है हमारी सेल्फी स्टिक जो हमने आज ऑर्डर की थी, बताना कमेंट में कैसी है। मुझे तो ठीक लग रही है, ब्लूटूथ की ऑप्शन साथ में है इसके। ये आज माता श्री ने वहाँ पे जोत बत्ती की है, ये देखो आप, वो आज जोत की है यहाँ पे। आज नहीं कल भी की थी, पर कल आपको मैंने दिखाई नहीं, सो वो आज दिखा रहा हूँ आपको कैसी है, बताना। ये देखिए गाइस खाना रेडी हो रहा है, अब सलाद वगैरह कट हो गया है, राखी रोटी बना रही है और बच्चा बाटी बाहर नहीं फुटबॉल के साथ खेल रहे हैं, दिखाते हैं आपको। ये देखो ये दोनों जने खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हाँ बस पौधों को मत तोड़ देना, ठीक है, पौधों को मत तोड़ देना, ठीक है, ओए पौधों को मत तोड़ देना। सो दोस्तों टाइम हो चुका है जी 5:15 हो चुके हैं जी शाम के, ये देखो। सो अब राखी जा रही है पुदीना लेने के लिए, पुदीना आज बोएंगे, रेडी हो चुकी है जी, जा रही है। तब तक हम जिस गमले में पुदीना लगाना है वो गमला सेट करते हैं। इस गमले में लगाएंगे गाइस, इस गमले में लगाएंगे, इस वाले गमले में। तब तक इसको सेट करते हैं। सो गाइस अब हम यहां से लेंगे पनीरी पुदीना की। तो गाइस इसमें से हमने पहले मिट्टी निकाल दी है क्योंकि मिट्टी इसमें बहुत ज़्यादा थी, सो इस टूटे हुए मटके में एक्स्ट्रा मिट्टी निकाल दी है। अब इसमें डालेंगे हम खाद, वर्मी कंपोस्ट की खाद है, ये आई है हमारा सुनाम से आई हुई है हमारे मास्टर जी की,
गुंडोया फार्म है उनका, जब हम जाएंगे आपको भी दिखाएंगे। इसमें खाद डालेंगे। ये हमने आज पुदीना बो दिया है फाइनली। माता श्री ने साथ बैठकर बुलाया कि पहले मेरा पुदीना बो, फिर जाओ जहाँ जाना है। सो इसके बाद हम होते हैं रेडी। अब हम जाएंगे आइला बठिंडा पॉइंट पे, आपको भी लेके चलते हैं। स्टे ट्यूनिंग गाइस। तो गाइस हम हो चुके हैं रेडी अब जाने के लिए। तो लो गाइस आज हम फिर से बुलेट पे जाएंगे घूमने के लिए। गाइस ये है हमारा बठिंडा का आइला बठिंडा सेल्फी पॉइंट। ज्यादा बड़ा नहीं है गाइस, बस छोटा सा ही है। ये टैंकी आ गई साथ में, इतनी ऊंची है देखो। लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह जी। अरे वाह गाइस, ये देखो ब्रेक कर दिया किसी ने, तोड़ भी दिया। ए तोड़ दिया, आई तोड़ दिया। ये है जी लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह, परम विशिष्ट सेवा मेडल हीरो ऑफ लद्दाख। ये आप पढ़ सकते हो। ये है जी टैंक। ये असली है गाइस, डमी नहीं है ये। वो देखो बेचारी बोर हो रही है, बोर हो रही है। हाँ ये अंधेरी के साथ टूट गया था। ये है जी पानी वाली टैंकी। भाई यहाँ पे पहले टैक्सी स्टैंड हुआ करता था, तो टैक्सी स्टैंड को हटाकर अब यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बना दिया आई लव बठिंडा का। आप देख सकते हो वो आइला बठिंडा का सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। तो पहले था, तो टैक्सी वगैरह के लिए अब उधर परली साइड पार्किंग है। ये आप देख सकते हैं, ये सामने गोल्ड डिग्गी की तरफ है जी। सामने वो सब्जी मंडी लगती है जहाँ से हम सब्जी लेते हैं, वो भी दिखाते हैं आपको एरिया। उधर की तरफ जो है वो गोल्ड डिग्गी रहेगी, वो सामने गोल्ड डिग्गी रहेगी। ये देखो बच्चे कैसे मस्ती कर रहे हैं। तो ये है जी हमारा आई लव बठिंडा का सेल्फी पॉइंट।
ये देखो गाइस, इसकी लाइटिंग ऑन हो चुकी है। सही टाइम पे आए हम। यहाँ पे वो फ्लावर लगे हुए हैं जो घर में लगे हुए हैं, ये देखो, ये दिल गार्डन गार्डन। जैसे जैसे यहाँ पे गाइस शाम होती जाएगी, यहाँ पे विजिटर आते जाएंगे देखने के लिए। हर आदमी आता है यहाँ पे घूमने के लिए। सो एक पॉइंट बना हुआ है जहाँ सभी बैठते हैं, बातें करते हैं। जैसे कि आपने देखा, इसे भी सभी अपने अपने स्लॉट में बैठे हुए हैं। तो ऐसे ऐसे बठिंडा की जो भी रोमांचिक चीज़ें हैं आपको दिखाते रहेंगे। बस बने रहिए, शर्मा ब्लॉग्स 203 को आप देखते रहिए। अच्छा लग रहा है ना। ये देखो सब लाइटिंग ऑन होगी इसकी। यहाँ भी लगे हुए हैं ये फूल वगैरह। भाई जो सामने वो पैप है ना, ये पैप पे बड़ी पैप थी, ऊपर ये फ्लैग लगा हुआ था, ऊपर इंडियन फ्लैग। सो अंधेरी आई, वो फ्लैग टूट गया। वो आप देख सकते हो वो पैप डिंगी हो रखी है। मतलब वो डेकोरेशन में चार चांद लगाता था। चलो ठीक कर देंगे, वो जैसे ही दोबारा लगेगा आपको दोबारा दिखा देंगे कि कैसे लगता है लगा हुआ। गाइस ये बाहर निकलने का पॉइंट दिखाता हूँ आपको। ये सामने नई बिल्डिंग बनी है पार्किंग के लिए, वो भी दिखाएंगे किसी दिन आपको। ये बाहर फूलों का अड्डा लगता है यहाँ पे। अरे वाह, ये यहाँ पे फूलों की मार्केट लगती है, यहाँ फूल वगैरह मिलते हैं। ये बठिंडा का माल रोड है। वो जो सामने बिल्डिंग है वो बन रही है नई बिल्डिंग, बन के रेडी हो चुकी है, उसका उद्घाटन हो चुका है। ये पार्किंग स्लॉट है और सामने इस मार्केट, ये पुलिस का क्या बोलते हैं इसको, एक तरह के पुलिस चौक लगा सकते हैं, चौकी बनी हुई यहाँ पे छोटी सी। सो इसके साथ ही फायर ब्रिगेड है और वो सामने गोल्ड की है और ये पॉइंट है। सो गाइस अब हम घर आ चुके हैं। ये था हमारा बठिंडा का सेल्फी पॉइंट जो मैंने आपको दिखा दिया है। सो घर आके घर वाले कपड़े रूटीन में जो पहनते हैं वो पहन लिए हैं, अब करेंगे डिनर वगैरह। तो गाइस खाना हमारा आ गया है, बना लिया है हमने, अब खाएंगे। आज का व्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, जय हिंद। सो गाइस आज राखी ने ब्लॉग एंड किया, वो बोली कि आज मैं ब्लॉग एंड करूंगी। मैं कहा भाई तू कर ले, कोई बात नहीं। सो गाइस ये था हमारा आज का ब्लॉग, मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में। बाय बाय, जय हिंद।